नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, एमपी स्पेशल के बारे में। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम की, अगर आपने उसका सिलेबस देखा होगा, अगर आप लोगों ने उसका पाठ्यक्रम देखा है और उससे जुड़े हुए पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। और इन सभी क्लासों को हम लोग एमपीपीएससी का लेवल ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी क्लासों को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अगर किसी भी परीक्षा में क्वेश्चंस आता है तो वो यकीन के साथ मानिए कि वो छूटने वाला नहीं है, आप लोग आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। एक और जानकारी दे देते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया हुआ है कि देखिए, हम लोग एक टॉपिक से दो क्लासें लेंगे। पहली पहली क्लास में हम लोग उस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, समझ रहे हैं आप, एक एक पॉइंट को देखेंगे। और दूसरी क्लास आपकी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई होगी और जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे। आप लोगों का भी मालूम चलेगा आप लोगों को कि आप लोगों ने पहली क्लास किस तरीके से देखी हुई है, आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी क्षमता भी मालूम चलेगी कि आप लोग कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये सभी क्लासें आपको मध्य प्रदेश एमपी स्पेशल जी के कंप्लीट क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बना रखी है उसी में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट सूची को जरूर आप लोग कवर कर लीजिए अगर आप किसी मध्य प्रदेश के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एमपी स्पेशल जीके क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है। देखिए, पहले हम लोग 30 क्वेश्चंस के लगभग देखेंगे जिनमें आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। आप लोगों को वन लाइनर में मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उसका आंसर आपको देना होगा। और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखेंगे जिनमें आपके पास एक लाइन में आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चंस होगा, उसके ए बी सी डी के रूप में चार आपके पास विकल्प होंगे। तो दोनों तरीके से आपका टेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो विकल्प की तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको बड़े विस्तार से पढ़ना होता है और मैं विकल्प कम ही देता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। और फिर हम लोग हजार हजार क्वेश्चंस कवर करेंगे हर सब्जेक्ट से, तब आप लोगों को विकल्प जरूर दिए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया। आप लोगों ने अगर वो क्लास देखी है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय से संबंधित, जो पहली क्लास आपकी ली गई है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। मैंने बताया भी हुआ था कि हृदय प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया था और मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, इस पर विस्तार से बात की हुई थी। ठीक है, बताइए आप लोग, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया। तो आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे देश के क्या थे, बताइए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जबलपुर सबसे बड़ा है। क्या है, जबलपुर सबसे बड़ा है, जबलपुर कैसा है, सबसे बड़ा संभाग है। एक यहाँ कुछ पॉइंट और आप लोगों को मुझे लगता है कि बता देता हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके 10 संभाग हैं और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। और आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा है, बताइए, कुछ मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है, क्या बताया हुआ था, बताइए। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसमें क्लास में मैंने बताया हुआ था जब हम लोग विस्तार से बात कर रहे थे। और 10 संभाग हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे नया संभाग शहडोल को बनाया गया था और ये आप देखेंगे 14 जून 2008 में शहडोल संभाग का गठन हुआ था।
एक एक करके सबको बता देते हैं। इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, ये सभी आपके 10 संभाग हैं, ठीक है। और इंदौर आपका देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या वाला संभाग है, तो ये भी याद रखिएगा। शहडोल सबसे छोटा जनसंख्या वाला भी आपका संभाग है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा, ये कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, तो आप सभी को बताया हुआ था कितना है क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 3 लाख, कितना 3 लाख, 8,252 वर्ग किलोमीटर, क्या है वर्ग किलोमीटर, ठीक है वर्ग किलोमीटर है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पहले, जब तक छत्तीसगढ़, सन 2000 के पहले की बात कर रहा हूं, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश अब दूसरे नंबर पर है, राजस्थान पहले नंबर पर है। अब आपसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, तो आप सभी जानते हैं कि 29 है, कितनी है 29 है सीटें, 29 सीटें हैं। और इसमें से आपको बताना है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति पूछ रहा है, एससी, समझ रहे हैं आप लोग, एससी की बात कर रहा हूं, तो आप सभी को मालूम होगा कि एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें आप देखेंगे देवास हो गया एक, तो एक उज्जैन हो गया, भिंड हो गया और टीकमगढ़ हो गया, ठीक है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। मध्य प्रदेश में जो टोटल आपकी अनुसूचित टोटल सीटें हैं 29, इनमें से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, बताइए जल्दी से। तो मैं बताता हूं, 6 सीटें आरक्षित की गई, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। फिर से आप लोग सुन लीजिए, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम। और एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, पहले तो आप सभी को यही मालूम होना चाहिए कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं, 230 सीटें हैं। इनमें से कितनी सीटें किन के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं, कितनी 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, एसटी की बात हो रही है अब, तो आपको बता दूं 230 में से 47 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। ये आरक्षित करने का मतलब होता है कि देखिए उन्हीं जाति के लोग लड़ पाएंगे चुनाव इस सीट पर, आप समझ रहे हैं। और आप देखिए कि उनका एक तरह से स्थिति देखते हुए कि उनके साथ किस तरह की पहले भावनाएं रहीं, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अपनाया जाता है, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गान का रचनाकार कौन है। मेरा मध्य प्रदेश आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गान है, और इसके रचनाकार आपसे पूछ रहा है कि रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं मध्य प्रदेश गान के महेश श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, बताइए। आपको आता है तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर, क्या है बुरहानपुर, ठीक है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए मैं एक सीधी सी बात बताऊं कि देखिए
कई बार ये आप लोगों को आता है, मुझे लगता है कि इसलिए कम पूछता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आप लोग एक लाइन में बता दोगे कि डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया साहब। अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कह दे दोगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। अगर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल की बात हो रही है, तो आप देखेंगे सुश्री सरला गेवाल साहब, सुश्री गेवाल, सरला गेवाल साहब, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप सभी जानते हैं कि उमा भारती जी थी। कौन थी? उमा भारती जी थी, और एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। इसमें जितने क्वेश्चन शामिल किए गए हैं थोड़े कठिन टाइप के किए गए, कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। मध्य प्रदेश के प्रथम अगर अध्यक्ष की बात करें तो पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, विधायक होते हैं ना, उन्हीं में से 101 को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगर उपाध्यक्ष की पहले की बात करें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे विष्णु विनायक सरवटे साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, ये बता चुका हूं आप लोगों को कि श्री विनायक सरवटे साहब थे। कौन थे? विनायक सरवटे साहब, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फिर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए कुछ आप लोग बता पाओगे? आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो रही है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आदिवासी राजा नरेश चंद थे, ठीक है। नरेश चंद, राजा नरेश चंद थे, गोंड आदिवासी से आते थे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। अगर आप लोग सिविल सर्विस एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी आगे चल के सचिव बनेंगे, मुख्य सचिव बनने की संभावना रहती है। तो एच एम कामत साहब आपके प्रथम मुख्य सचिव थे। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, बताइए। और आप सभी जानते हैं कि जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे सरपंची का, ग्राम पंचायत, या आप देखिए कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी आपके हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका निर्वाचन आयोग होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग होता है, ये देखिए ये करवाता है आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो एन वी लोहानी साहब, एन वी लोहानी साहब थे, ठीक है, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, राज्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है, बताइए। तो ये थे टी एन श्रीवास्तव जी, टी एन श्रीवास्तव जी। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, बताइए। तो पी भी दीक्षित साहब, पी भी दीक्षित साहब। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि यहां ऊपर से लेकर नीचे तक, ये लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आप लोगों से, क्या करता है, पूछ लेता है आपसे, बताइए कुछ कितनी है? उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, तो ये आप देखेंगे 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। मध्य प्रदेश की भारत में केंद्रीय स्थिति क्या है, ये अवस्थिति क्या है? तो आप देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर
74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर में आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। पिछली क्लास मैंने विस्तार से बात किया हुआ है, पूरा आप लोगों को मैप का दिखा के बताया गया है, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाता है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कम से कम। तो आप सभी को मालूम होगा कि 14 जिलों से होकर जाता है। किससे? 14 जिलों से होकर जाता है। वहां भी आप देखिए पूरा मैप का सहारा लेकर आपको बताया गया था कि देखिए ये जा रही है। तो याद रखिए आपकी रतलाम पहला, फिर आप देखेंगे उज्जैन, फिर आप देखेंगे आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर आप जाइए सीहोर, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। एक बार और याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आपकी रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, और एक बात और आप बता देता हूं, आप लोग बताइए कि भारत के कितने राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर जाती है, क्योंकि आपको पिछली क्लास में आपको बताया गया है पूरा विस्तार से। और जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भी पूछ लेता है, तो एकमात्र जिले से सिंगरौली से होकर जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है ये बताइए आप लोग, लिंगानुपात की बात हो रही है, कितना है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात? तो ये तो आप सभी जानते हैं कितना है, 900। कितना है? 900। बताइए बताइए, 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, 931। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, भारत का कितना है आप लोग बताइए, भारत का लिंगानुपात कितना है वो भी आप लोग बताइएगा, आपके पास गूगल मास्टर साहब हैं, आप लोग उसकी मदद लीजिए और आप बताइएगा कि कैसा है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? यह है धूपगढ़। धूपगढ़ की चोटी आप लोगों ने सुना है, सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। इसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो 1350 मीटर है, 1350 मीटर। महादेव सैनी सतपुड़ा पर्वत में देखने को मिलेगा। अगर आपसे कभी भारत की सर्वोच्च चोटी पूछे तो याद रखिएगा कौन सी है, K2, समझ रहे हैं, 8611 मीटर, POK वाले क्षेत्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी आप सभी जानते हैं कि इंदौर को कहते हैं। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए पचमढ़ी को कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और कुछ राजधानियां हैं, जैसे आप देखिए खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं मध्य प्रदेश की, कोयला राजधानी सिंगरौली को कहते हैं, संस्कार राजधानी, न्याय की राजधानी जबलपुर को कहते हैं, संगीत राजधानी मेहर को कहते हैं, तो ये भी याद रखिए। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये सभी आप लोग जानते हैं, भोपाल है, भोपाल में सबसे घनी आबादी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है जो आप देखिए कि टोटल मान लीजिए वो भारत का है 100%। ठीक है, कितना? 100%। तो मध्य प्रदेश कितने भाग में बसा हुआ है, कितने परसेंट क्षेत्र में? तो ये आपको देखने को मिलेगा 9.38%। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया था? किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया था? तो महासीर प्रजाति की, और याद रखिए 2011 में घोषित की गई थी। कब? 2011 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री साहब ने किया था, एक लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आप सभी जानते हैं बारहसिंघा है, और आप सभी जानते हैं कि इसे पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंघा को राज्य पशु घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्य कितने हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की बात हो रही है, तो आप सभी को मालूम है कि कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। और जो राज्यसभा सदस्य होते हैं ना, इनका चुनाव आपको बता दूं कि डायरेक्ट विधायकों के द्वारा होता है, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है, ये भी ले याद रखे। तो ये 31 क्वेश्चंस मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है एक उस टॉपिक से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रखे गए हैं। अब आप देखिए, इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आपके पास विकल्प नहीं था, तो मुझे लगता है कि कई लोगों को प्रॉब्लम भी हुई होगी। तो आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक तरह से एक और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं उसमें, और उसमें आपके विकल्प भी दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये भी आपका जो मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय पड़ा था उसी से संबंधित MCQ टेस्ट है। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वस्तुनिष्ठ आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से वस्तुनिष्ठ, मतलब आपके पास एक लाइन में क्वेश्चंस रहेगा, फिर आप देखेंगे उसके चार आपके पास विकल्प रहेंगे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछे पीछे पूछा हुआ है, आप लोग बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, कौन लगाएंगे आप लोग? ए ऑप्शन लगाएंगे, 308 252 वर्ग किलोमीटर, या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए आप लोग एक आध पॉइंट को मतलब इतना परेशान मत हुआ करिएगा। 11.38, 7.83%, 9.37%, 8.66%, तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दूसरा है, पहले नंबर पर आपका राजस्थान है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाते हैं आप लोग? राजकीय दिवस 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून, 2 जून। तो आप लोगों को मालूम होगा, तो नीचे आप लोगों ने ये ऑप्शन लगा दिया होगा, किसे? 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा, सातवा, पांचवा, छठवा, बताइए कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है आपका। कौन सा? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ये आप सभी को मालूम होगा, और मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, तो याद रखिए हमारा नंबर है पांचवा। कौन सा? पांचवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? किन दो अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? मध्य प्रदेश का जो राज्य चिन्ह देखते हैं ना आप लोग, राज्य चिन्ह देखते हैं ना, जो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, सरसों, ज्वार गेहूं, गेहूं कपास, गेहूं धान। और मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के पास टाइम रहता है, बोलता हूं उसके पास, मुझे लगता है कि आप लोगों को सोचने की भी थोड़ी जरूरत पड़ती है, और आपको याद रहता है, तो मुझे लगता है फटाफट आप लोगों ने गेहूं और धान लगा दिया होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया हुआ है? ये तो मुझे लगता है कि आपको पीछे भी बता चुका हूं, डॉल्फिन, महासीर, हेरिंग, संस। तो महासीर होगा इसमें, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 670 किलोमीटर। तो आप सभी को मालूम होगा कि 870 किलोमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई अभी बताया हुआ है, राज्य की दक्षिण से उत्तर से यहां से लेकर यहां तक नीचे तक दक्षिण लंबाई 500, 450, 350 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, 505 किलोमीटर। तो मुझे लगता है सभी को मालूम होना चाहिए 605 किलोमीटर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य पित्तिक अधिनियम कब पारित किया गया था? मध्य प्रदेश का राज्य पित्तिक अधिनियम कब पारित किया गया था?
राज्य अधिनियम की बात हो रही है, 1981। दूसरा कह रहा है आपसे क्या 1961? क्या 19? उन्नीस सौ इक्यासी, 1961, 1991, 1971, बताइए। राज्य पिति का अधिनियम, और मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा तो आप लोगों ने लगा भी दिया होगा। उन्नीस सौ इक्यासी राज्यपति का अधिनियम, 1981। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय पिति का अधिनियम 1981 को पारित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया था? महात्मा गांधी, श्यामाचरण शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी बता चुका हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जबलपुर पीछे भी बता चुका हूँ। प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर। किसमें शामिल है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जिले पूछ रहा है आपसे, किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले देखने को मिलेंगे? देखिए, जबलपुर में कितने हैं? एक तो जबलपुर है, कटनी है, सिवनी है, नरसिंहपुर है, बालाघाट है, मंडला है, छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है। 8 जिले हैं आपके जबलपुर में। अब इंदौर में देख लीजिए, इंदौर में आप देखेंगे इंदौर हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी, अलीराजपुर, 8 आपकी इसमें भी है। उज्जैन में अगर बात करें तो नीमच हो गया, उज्जैन हो गया, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर, 7 आपके उज्जैन में। ग्वालियर में चलिए, ग्वालियर में आप देखेंगे ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, 5 जिले हो गए। तो इस तरह से आप लोगों को बताना है। तो वैसे इसमें देखिए, आपका जो आयोग है ये जबलपुर को मानता है, लेकिन आप देखिए इंदौर और जबलपुर में दोनों में आपके 8-8 हैं। लेकिन कई बार देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है तो उसने जबलपुर को माना है। वैसे मुझे लगता है कि इनमें दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, जो इंदौर लगाते हैं तो वो भी एक तरह से आप सोचिए विरोध कर सकते हैं अगर उनका आंसर गलत रहता है तो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल, चंबल, ग्वालियर, नर्मदापुरम। तो याद रखिए, ये शहडोल है आपका, क्या है? शहडोल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील अनूपपुर, इंदौर, भोपाल, डिंडोरी। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इंदौर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील है, का इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी आप लोगों को तहसील बतानी है, अशोकनगर, पौरसा, और दूसरी आप देखेंगे पौरसा, अजयगढ़ और चंदेरी, बताइए। तो इसमें अजयगढ़ है आपकी। ठीक है, पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील सबसे छोटी तहसील है क्षेत्रफल में। और एक बात और बता दूं, क्षेत्रफल में मैंने देखा था कहीं आपका कई जगह आपका होशंगाबाद को भी क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग बताया जाता है। किसके क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपके किसे बताया जाता है? होशंगाबाद को भी बताया जाता है, और कई जगह अगर आप देखेंगे शहडोल भी मिलता है आपका।
तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को और क्लियर कर लेना चाहिए। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, तो अगर आप देखिए, होशंगाबाद दिया गया है, होशंगाबाद और शहडोल, तो आप लोगों को होशंगाबाद भी याद रखना होगा। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, और आप देखेंगे कि ये क्षेत्रफल तहसील तो क्लियर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चंस बना रहता है आपका। क्या बना रहता है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग तो जबलपुर हो गया, सबसे छोटा संभाग आपका ये आपको तो शहडोल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जनसंख्या में भी शहडोल छोटा ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? 14, 10, 13, 12। क्योंकि मैंने कई बार कई जगह देखा हुआ है, कहीं आप देखिएगा शहडोल अधिक बार दिख रहा है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में है, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा हुआ है तो वहाँ संभाग छोटा भी दिख रहा है, होशंगाबाद को भी दिखाया जा रहा है, तो लेकिन शहडोल को कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो तो आप लोग भी बताइएगा नीचे, मैं देखूंगा। ठीक है, कभी और आगे चल के भी विस्तार से बात करनी है तो कई जगह कई स्पेशल बुक्स में देखता हूँ उठा के, अगर उसमें भी रहता है तो फिर रहेगा, फिर कहाँ क्या बोलने वाले हैं हम लोग, हम और आप थोड़ी बदलने वाले हैं कुछ। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल को बताया जा रहा है। 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष नीम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, या पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष? तो आप सभी जानते हैं कि बरगद का वृक्ष है, और बरगद को आप लोग काफी पूछते भी हैं। राज्य मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, गधा, हाथी, सियार, तो बारहसिंघा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या बता चुका हूं पीछे, 20, 29, 30, 25, तो 29 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11, 9, 12 या फिर आप 15, तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा 11 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 305, 250, 230, 215, 230 आप सभी को मालूम है, सी ऑप्शन लगाओगे। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा नदी के किस नदी के समानांतर होकर जाती है? बताइए किस नदी के समानांतर होकर जाती है? गोदावरी, नर्मदा, और कौन सी है? महानदी, ताप्ती। बताइए किस नदी के? तो नर्मदा नदी होगी इसमें, क्या होगी? नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद, बबूल, शीशम, या पीछे अभी देख चुका हूं, तीन बार देख चुका हूं, बरगद हो, ठीक है, बरगद है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बताइए, नगर निगम कितना है मध्य प्रदेश में? 14, 19, कितना है? 14, 19, या फिर आप देखिए कि 10, 16। नगर निगम कितने हैं मध्य प्रदेश में बताइए कुछ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो?
16, ठीक है, ये भी बदलते रहते हैं, तो आप लोग करंट से जब भी पेपर देने जा रहे हैं जिस साल, तो जरूर अपडेट होकर जाया करिएगा। मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं? विकास खंडों की संख्या 303, 250, 230, 313, तो 313 डी ऑप्शन। इसमें आदिवासी विकास खंड की बात करें तो 89 है, ठीक है। बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1991, 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1975, तो 1 नवंबर 1981 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में पुलिस को कितने रेंजों में बांटा गया है? कितने रेंजों में बांटा गया है बताइए। तो याद रखिए जो रेंज है ना, ये 15 हैं टोटल। कितने पुलिस रेंज की अगर बात करें, अगर जोन की बात करें तो 11 हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। कितना मध्य प्रदेश में पुलिस को कितने रेंजों में बांटा गया? अगर ये आए तो 11 लगा दीजिएगा। अगर साफ क्वेश्चंस पूछता है मध्य प्रदेश में जोन कितने आई, जो जोन आईजी पुलिस हैं, तो 11 हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश में रेंज डीआईजी पुलिस, तो ये देखिए 15 हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर, सिवनी। तो याद रखिए छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, और कमलनाथ को आप जानते होंगे, नकुलनाथ यहीं से चुनकर आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला? जबलपुर, इंदौर, दतिया, मुरैना। देखिए एक यहां साफ बता देता हूं, अगर निवाड़ी अगर शामिल है, अगर आपके सामने क्वेश्चंस पूछ रहा है कि निवाड़ी है, तो आप लोगों को निवाड़ी लगा देना है। जनसंख्या के मामले में छोटा है और क्षेत्रफल के मामले में छोटा है। अगर निवाड़ी नहीं है तो याद रखिए दतिया छोटा है फिर, ठीक है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय से कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता दिए। एक तरह से मॉक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, आपका रिवीजन होता रहेगा, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में आता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा आपका मध्य प्रदेश राज्य का गठन और पुनर्गठन हम लोग देखेंगे।